जनपद से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की सोनिया गांधी को रायबरेली में पिछले दिन हुए लोकसभा चुनाव में सीधा टक्कर देने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह के भाई दिनेश प्रताप सिंह ने टोल प्लाजा पर कांग्रेस की सदर विधायक आदिति सिंह व जिला पंचायत सदस्यों पर हुए हमले पर मीडिया के समक्ष सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी भाजपा और उनके लोगों ने आदिति सिंह और जिला पंचायत सदस्यों पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं है। आदिति सिंह उनकी बेटी के समान है और वह जिला पंचायत सदस्यों व आदिति सिंह के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि आदिति सिंह के ऊपर हमले को लेकर यह स्वयं आदिति के विचार हो सकते हैं, लेकिन वे आदित्य पर हमला नहीं करा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि रायबरेली जनपद में जो जन्मा है वह उस पर तक हमला नहीं करवा सकते हैं क्योंकि रायबरेली जनपद वासी उनके घर जैसे हैं। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। प्रियंका गांधी अदिति मेरी बेटी के समान है। उनका विचार हो सकता है कि मैं उनके ऊपर हमला करा सकता हूं, लेकिन रायबरेली में जो भी जन्मा है, जो भी नागरिक है, वो सब मेरे व्यवहार से और अदिति के व्यवहार से परिचित है। दिनेश सिंह अदिति पर हमला करा सकते हैं, ये रायबरेली के जनमानस को गाली जैसा लगेगी जब अदिति सिंह ऐसा कहेंगी। तो मैं इतना जानता हूं कि मैं अदिति के ऊपर हमला नहीं करा सकता हूं, ना मेरा कोई लेना देना अदिति से था, और अगर अदिति के मन में कोई धारणा मेरे विरुद्ध थी तो उसका दुष्प्रचार हो सकता है, लेकिन मेरी विचारधारा उनके कोई विरुद्ध नहीं है व्यक्तिगत। हाँ, वो कांग्रेस की नेता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मेरे अंदर विचार प्रेरणा भावना अमित शाह की है, मेरे अंदर प्रेरणा योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की है, और निश्चित तौर से उनका मानना है कि अपनी पार्टी की विजय ही मूल लक्ष्य है। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा करने में कामयाब रहे। रायबरेली की यह जीत अमित शाह की जीत होगी, रायबरेली की जीत योगी आदित्यनाथ की जीत होगी। मैं बधाई देता हूं अपने सभी नेताओं को कि रायबरेली में एक बार फिर से जिला पंचायत में भगवा लहराएगा। टोल प्लाजा पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका भी आरोप आ रहा है, कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देखिए, राजनीति काजल की कोठरी है, एक लीक लग ही जाना है, जिसको आरोप लगाना है वो लगाए, लेकिन मैं अगर सर्विलांस पे लगा दिया जाए, मेरे पांचों भाइयों की लोकेशन 31 जिला पंचायत सदस्यों के साथ मेरे पंचवटी आवास पर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसके बाद आरोप जिसको लगाना है वो स्वतंत्र है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा पे हम हमारे लोग नहीं थे। टोल प्लाजा पर झगड़ा जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं हुआ है। हो सकता हो व्यक्तिगत कारणों से किसी का रहा हो, जिसको प्रचारित किया जा रहा है, दुष्प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन वो विवाद जिला पंचायत से उसका कोई लेना देना नहीं।